बोले बाल कृष्ण भगवान की। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। पहले वाले ब्राह्मण ने कहा कि ये गाय मेरी है, मुझे प्रदान करो। दूसरे वाले ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, मैं इसे नहीं दे सकता। दोनों में झगड़ा उत्पन्न हो गया। दोनों राजा नृग के सामने पहुंचे। राजा नृग ने पहले वाले ब्राह्मण से कहा कि इस गाय के बदले में तुम 10 गाय ले जाओ। मना कर दिया कि नहीं नहीं, मुझे तो मेरी यही गाय चाहिए। पहले दूसरे वाले से कहा कि भैया तुम 50 गाय ले जाओ। दूसरे वाले ब्राह्मण ने कहा कि मुझे 50 गाय नहीं चाहिए, मुझे तो यही गाय चाहिए। पहले वाले से कहा कि भैया 100 गाय ले लो। मना कर दिया, यही गाय चाहिए। अब गाय तो एक है, लेने वाले 2 हो गए। राजा नृग ने पहले वाले ब्राह्मण से कह दिया कि जाओ, ले जानी है तो दूसरी गाय ले जाओ, अन्यथा तुमको ये गाय नहीं मिलेगी। पूरे जीवन भर पुण्य कमाया, दान किया, एक पाप हो गया राजा नृग से। अंत में जब राजा नृग की मृत्यु हुई, धर्मराज के सामने राजा नृग उपस्थित हुए, तो धर्मराज ने कहा कि हे राजा नृग, तुमने जीवन भर पुण्य किया है, बहुत दान किए हैं, हमेशा तुम स्वर्ग का राज्य भोगोगे, लेकिन एक तुमसे पाप हो गया, इसलिए एक दिन का तुम्हें नरक भी भोगना पड़ेगा। अब तुम क्या चाहते हो? एक दिन का नरक भोगना चाहते हो या हमेशा का स्वर्ग पहले भोगना चाहते हो? इनमें से कौन सी चीज पहले चाहते हो? राजा नृग ने विचार किया कि हमेशा स्वर्ग ही भोगना है, एक दिन का नरक है, पहले नरक ही भोग लेता हूं। तो नरक भोगने के लिए कह दिया। यमराज जी ने गिरगिट बनाकर उसे कुएं में डाल दिया। अब गिरगिट बना हुआ राजा नृग कुएं में पड़ा है। कुएं में गिरते ही उसने कीट पतंगों को खाना प्रारंभ किया, पाप बढ़ना प्रारंभ हो गया। जैसे जैसे जीव जंतुओं को खाता है, वैसे वैसे ही उसका पाप बढ़ता जाता है। पाप बढ़ते बढ़ते युगों बीत गए, गिरगिट बना हुआ उसी में पड़ा रहा। आज कन्हैया जी ने स्पर्श किया है। कन्हैया जी के स्पर्श होते ही वह पाप मुक्त हो गया, दिव्य स्वरूप धारण करके वैकुंठ धाम को चला गया। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो इसीलिए दान हमें सोच समझ कर करना चाहिए। दान के बगैर कल्याण भी नहीं है, दान देने से ही कल्याण होता है। लेकिन दान हमें कौन सी जगह करें, कहां करें, ये हमारे विवेक पर जागृत आधारित है। विवेक पूर्वक दान करें, सुपात्र को दान करें, सही समय पर दान करना चाहिए, उसका फल अक्षय हो जाता है। बोले बाल कृष्ण भगवान की। भगवान ने राजा पौंड्रक का उद्धार किया। राजा पौंड्रक जो था, उसने घोषणा करा दी कि मैं ही भगवान हूं, जो भी भगवान बना है उसे जेल में जाना पड़ा। इसीलिए कभी भी भगवान बनने का प्रयास ना करें। जो आनंद भगवान के भक्त बनने में है, वो आनंद किसी और में नहीं है। इसीलिए भगवान के भक्त बन जाओ, भगवान की कृपा हो जाएगी। पौंड्रक राजा ने 2 भुजाएं थी, 2 भुजाएं और नकली लगवा ली, 1 सुदर्शन चक्र भी नकली बनवा लिया, घोषणा करा दी कि मैं ही भगवान हूं। यज्ञों को बंद कराने लगा, अपनी जय जयकार करवाने लगा। कन्हैया जी आए, पौंड्रक राजा का अभिमान दूर हुआ। पौंड्रक का और कन्हैया जी का युद्ध हुआ। सुदर्शन चक्र के द्वारा पौंड्रक का मस्तक धड़ से अलग कर दिया और पौंड्रक का उद्धार हो गया। बोले बाल कृष्ण भगवान की। कृष्ण कन्हैया लाल की। बलराम जी महाराज ने द्विविध का वध किया है।
शाम्ब का विवाह दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा के साथ हुआ। शाम्ब लक्ष्मणा को चाहते थे, हस्तिनापुर पहुंचे, सो कौरवों ने कन्हैया जी के पुत्र शाम्ब को, जो कि जाम्बवती के पुत्र थे, बंदी बना लिया। शाम्ब कौन है? शाम्ब है भगवान शिव और अंबा, यानी माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ ही शाम्ब बनकर आए हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की। बलराम जी महाराज गए, जाकर कौरवों को समझाया। दुर्योधन स्वभाव से क्रूर था। दुर्योधन ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ नहीं होगा, हम चक्रवर्ती सम्राट हैं, तुम ग्वाले हो। इस प्रकार से बलराम जी का अपमान कर दिया, तो बलराम जी को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर उन्होंने अपना हल आगे बढ़ाया और कहा कि मैं इस हस्तिनापुर को गंगा जी में डुबो दूंगा। खींचने लगे। हस्तिनापुर एक ओर से टेढ़ी हो गई, सभी कौरव भयभीत हो गए, हाथ जोड़कर बलराम जी के सामने आए। शाम्ब को और लक्ष्मणा को सामने किया, दोनों का विवाह हुआ। बोले बाल कृष्ण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। एक बार नारद जी महाराज मोहित हो गए। भगवान की माया इतनी प्रबल है कि बड़े बड़े संत महात्माओं को, ऋषियों को भी मोहित कर देती है। हमारी तुम्हारी तो बात क्या है? नारद जी महाराज ने मन में विचार किया कि भगवान की 16108 रानियां हैं। भगवान कौन सी रानी के साथ रहते होंगे? सब रानियों के अलग अलग महल हैं, 16108 महल बने हुए। नारद जी महाराज देखने के लिए आए और सबसे पहले प्रथम महल में प्रवेश किया, रुक्मणी के महलों में प्रवेश किया। रुक्मणी जी का दर्शन हुआ, रुक्मणी के साथ कन्हैया जी विराजमान थे। नारद जी महाराज वहां से निकले, दूसरे महल में प्रवेश किया। दूसरे महल में सत्यभामा थी, सत्यभामा और कन्हैया जी बालकों को पढ़ा रहे थे। तीसरे महल में भी कन्हैया जी का दर्शन हुआ, जाम्बवती के साथ कन्हैया जी विराजमान थे। सुबह से शाम तक तकरीबन 400-500 महलों में नारद जी महाराज भ्रमण करते रहे। प्रत्येक महल में भगवान का दर्शन हुआ। भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान जब महलों से बाहर जाते थे तो एक हो जाते थे, और महलों में प्रवेश करते थे तो अपने आप को 16108 रूपों में विभक्त कर लेते थे। नारद जी महाराज का मोह दूर हो गया। नारद जी महाराज जाने लगे तो सत्यभामा ने कहा कि हे नारद जी, व्यक्ति को ऐसा कौन सा पुण्य करना चाहिए जो अगले जन्म में वही प्रिय वस्तु उन्हें प्राप्त हो जाए? नारद जी महाराज ने कहा कि यदि अगले जन्म में भी उसी प्रिय वस्तु को चाहते हो तो उस वस्तु का दान कर देना चाहिए। सत्यभामा ने कहा कि यदि मैं भगवान का दान कर दूं तो अगले जन्म में भगवान मुझे पति रूप में प्राप्त होंगे? नारद जी ने कहा कि हाँ बिल्कुल होंगे। सत्यभामा ने कन्हैया जी का दान नारद जी के लिए कर दिया। नारद जी ने कन्हैया जी का हाथ पकड़ा, चल पड़े, चलो अब तुम हमें दान में मिल गए हो। और दान में मिली हुई वस्तु उसी की हो जाती है जिसे दान दी जाती है। रुक्मणी जी रोने लगी, कहा कि हे सत्यभामा, तुमने क्या किया? द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण का ही दान कर दिया। नारद जी महाराज लेकर जा रहे, सो नारद जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। हे नारद जी, ऐसा मत करो, हमारे भगवान को हमें वापस कर दो। नारद जी महाराज ने कहा कि भगवान के बराबर तोल कर अपने आभूषणों से भगवान का तुलादान कर दो। सत्यभामा को अपने धन का बड़ा अभिमान था, क्योंकि जो शमंतक मणि थी
20 किलो सोना रोजाना देती थी, तो कितना सोना सत्यभामा के पास था, महल भरे पड़े थे। सत्यभामा ने कहा कि महाराज कन्हैया जी को मैं स्वर्ण से एक बार तोल के नहीं 10 बार तोल के दान कर दूंगी। नारद जी महाराज कहने लगे कि एक बार ही कर दो। एक बड़ी सी तराजू मंगाई, कन्हैया जी को एक पल्ले में बिठा लिया। सत्यभामा ने अपने आभूषणों को दूसरे पल्ले में रखना प्रारंभ किया। सारे आभूषण समाप्त हो गए, कन्हैया जी नहीं तोले। रुक्मणी से कहा कि बहन तुम मदद करो। रुक्मणी ने सारे आभूषण रख दिए। भगवान का तुलादान नहीं हुआ। जाम्बवती ने भी सारे रख दिए, तुलादान नहीं हुआ। 16,108 रानियों ने सबने अपने अपने आभूषण, सारे आभूषण समाप्त हो गए, तुलादान नहीं हुआ। क्योंकि भगवान अपने त्रिलोकी के भजन को लेकर बैठे थे। भगवान को कोई धन से तोलना चाहे, ऐश्वर्य से तोलना चाहे, नहीं तोल सकता। अंत में सत्यभामा गरुड़ पर सवार होकर श्री राधा रानी जी की शरण में पहुंची। राधा जी ने अपना एक कर्ण फूल तुलसी दल पर रख के दिया और उस तुलसी दल पर रखकर कर्ण फूल को जैसे ही तराजू के पल्ले में रखा तो भगवान का तुलादान हो गया। बोली बाल कृष्ण भगवान की। भगवान को ना तो धन से प्राप्त किया जा सकता है, ना ऐश्वर्य से प्राप्त किया जा सकता है। भगवान तो केवल प्रेम से मिलते। जहां हृदय में प्रेम है वह भगवान को प्राप्त कर लेता है। कहने का भाव यह है, इसलिए भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति जागृत होनी चाहिए। जो भी गुरु के द्वारा मंत्र दिया जाए, दृढ़ विश्वास के साथ में मंत्र जाप करो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान की आदत कैसी है, भगवान सबके ऊपर कृपा करते हैं। और यदि भगवान की आदत कृपा करने की ना होती तो फिर भगवान को कौन पूछता। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। के दिल में
जगह तुम न पाते, जोड़ियों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तुमसे गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बाद साहत तुम्हारी, गरीबों से है बाद साहत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, होते मोजरे मा न तुम होते हाकिम, ना हम होते मोजरे न तुम होते हाकिम, ना हम होते मोजरे मा न तुम होते हाकिम, ना हम होते मोजरे न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, नगर घर में होती इबादत तुम्हारी, नगर घर में होती इबादत तुम्हारी, नगर घर में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, अजी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी,
सारी ही ओल पत के दृग बेंदो है ये तुम्हारी ओल पत के दृग बेंदो है ये तुम्हारी ही ओल पत के दृग बेंदो है ये तुम्हारी ओल पत के दृग बेंदो है ये सौंपते हैं अमानत तुम्हारी हाँ तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी शोरी ही रहती अदालत तुम्हारी तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी बोले बालकृष्ण भगवान की भगवान की कृपा करने की आदत है एक बार भगवान की सुधर्मा सभा एकत्रित हुई उसमें जरासंध की ओर से एक दूत पहुंचा जरासंध ने 20,000 राजाओं को बंदी बना रखा था कन्हैया से प्रार्थना करी हे कन्हैया हमें इस दुष्ट की कैद से मुक्त कराओ इतने में ही एक दूत आया इंद्रप्रस्थ की ओर से पांडवों ने कन्हैया के लिए सूचना भेजी हे कन्हैया हम राजसूय यज्ञ कर रहे हैं आपके बिना हमारा यज्ञ सफल नहीं होगा तुम्हें हमारे यज्ञ में पधारना है कन्हैया ने बलराम जी से कहा कि भैया दो दूत आए हैं एक दूत आया है राजाओं की ओर से युद्ध करने के लिए जाना है तो बताओ पहले युद्ध करने के लिए चले अथवा पांडवों के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए चले बलराम जी ने कहा कि कन्हैया पहले जरासंध से युद्ध करेंगे अब के जरासंध को समाप्त कर देंगे पृथ्वी का भार हरण हो जाए हल्का हो जाएगा कन्हैया ने कहा कि नहीं पहले हमें यज्ञ में सम्मिलित होना चाहिए देखो आपके पास दो मार्ग हो एक अच्छाई का मार्ग हो एक बुराई का मार्ग हो तो पहले अच्छाई के मार्ग को चुनना चाहिए हम सब अच्छाई के मार्ग पर चलें यज्ञ करना एक बहुत बड़े पुण्य का काम है ये जो यज्ञ हो रहा है श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ ये भी एक यज्ञ है हम सभी इस यज्ञ में सम्मिलित हो रहे हैं तो यज्ञ करना सबसे बड़ा काम है और लड़ाई झगड़ा करना ये बहुत बुरा काम है लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए हाँ बात यदि धर्म की हो धर्म के लिए धर्म युद्ध करना भी पड़े तो फिर पीछे नहीं हटना चाहिए और अधर्म का युद्ध है आपस में लड़ाई झगड़ा कभी भी नहीं करना चाहिए बोले बालकृष्ण भगवान की तो कन्हैया इंद्रप्रस्थ पहुंचे और धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि भैया क्या तुमने समस्त राजाओं को जीत लिया धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि कन्हैया हमने ऐश्वर्य वैभव शक्ति
सब कुछ ब्राह्मणों के आशीर्वाद से उसने प्राप्त किया था। इस कारण से वह दान के महत्व को जानता है, दान करता है। कन्हैया जी ब्राह्मण के रूप में पहुंचे, कहा कि हे राजन हमें भी भिक्षा दो। जरासंध ने कहा कि बताओ क्या चाहिए। कन्हैया जी ने कहा कि हमें युद्ध की भिक्षा चाहिए, हम द्वंद युद्ध करना चाहते हैं आपसे। जरासंध ने कहा कि मुझसे युद्ध करना आसान बात नहीं है, तुम कोई ब्राह्मण नहीं हो सकते, ब्राह्मण युद्ध की बात नहीं करते, अपना परिचय दो, तुम कौन हो। कन्हैया ने कहा कि मैं तुम्हारा चिर परिचित पुराना शत्रु कृष्ण हूं और ये कुंती नंदन भीमसेन और अर्जुन है, हम तीनों में से चाहे जिसके साथ युद्ध कर लो। बोलेवाल कृष्ण भगवान की। जरासंध ने मन में विचार किया कि अर्जुन के पास बहुत दिव्यास्त्र है, अर्जुन को मैं जीत नहीं पाऊंगा, और ये कृष्ण इसने तो मुझे 17 बार हराया। जरासंध ने कहा कि मैं भीमसेन के साथ युद्ध करूंगा क्योंकि भीमसेन ही मेरे समान बल वाला है। युद्ध के नियम निर्धारित तो हो गए, सूर्योदय होते युद्ध प्रारंभ हो जाता था और सूर्यास्त होते युद्ध समाप्त तो हो जाता था। फिर छमाया भीमसेन की सारी पीड़ा दूर हो गई। मेली कंठ सुमन के माला, मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुण्य बल दे ये विशाला, पठवा पुण्य बल दे विशाला, पुण्य नाना विधि भई लड़ाई, 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 विटप ओट देखे यदुराई, विटप ओट देखे यदुराई, विटप ओट देखे यदुराई, विटप ओट देखे यदुराई। भीमसेन ने जरासंध को जमीन पर डाल दिया और पैर पर पैर रखा, कन्हैया जी की ओर देखा। कन्हैया जी ने एक तिनका लेकर बायां भाग दाईं तरफ और दाहिना भाग बाईं तरफ फेंक दिया। भीमसेन इशारा समझ गए, जरासंध को बीचों बीच में से फाड़ दिया, दाहिना भाग बाईं तरफ फेंक दिया और बायां भाग दाईं तरफ फेंक दिया। बोले बालकृष्ण भगवान की। ये जो जरासंध था बृहद्रथ का पुत्र था, बृहद्रथ की दो पत्नी थी। जब बृहद्रथ पर कोई संतान नहीं थे तो एक महात्मा के पास गए, महात्मा से प्रार्थना करी कि मुझे पुत्र प्रदान करो। महात्मा ने एक फल दे दिया, सो राजा ने इस फल को बीचों बीच में से काट के दोनों रानियों को बराबर बराबर भाग दे दिया। फल के कारण जब पुत्र हुआ तो आधा पुत्र एक रानी के हुआ, आधा पुत्र दूसरी रानी के हुआ। बृहद्रथ ने कहा कि ये तो पुत्र हुआ और ना हुआ बराबर हो गया। दोनों टुकड़ों को जंगल में फेंकवा दिया। जरा नाम की राक्षसी आई, दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया, संधि कर दी। इसी कारण से इस बालक का नाम जरासंध पड़ गया। ये बड़ा प्रतापी था। जरा नाम की राक्षसी ने ऐसा वरदान दिया था कि यदि कोई बीचों बीच में से फाड़ भी दे तो भी ये पुनः जुड़ जाएगा। ये बड़ा बलवान था, अपनी शक्ति का बड़ा अभिमान इसे था। आज भीमसेन ने जरासंध का उद्धार किया। जरासंध के मुकुट को लेकर अनेक प्रकार का
धन लेकर भीमसेन आए। पांडवों का राजसूय यज्ञ होने लगा। उस यज्ञ में शिशुपाल आया। पांडव कहने लगे कि हम अग्र पूजा कन्हैया जी की करेंगे। शिशुपाल ने खड़े होकर के कन्हैया जी को बुरा भला कहना प्रारंभ कर दिया। बोला मानी चल अज्ञानी, क्यों ज्यादा पानी चढ़ा नहीं, ना चाहे अभी गोपियों में पीरों से पाला पड़ा नहीं। ना चाहे अभी गोपियों में पीरों से पाला पड़ा नहीं। ना चाहे अभी गोपियों में पीरों से पाला पड़ा नहीं। यह वेद शास्त्र का ज्ञाता है और वेद स्वरूप कहता है, और वेद स्वरूप कहता है। ये नीच जहां भी जाता है वहां झगड़ा करके आता है। ये नीच जहां भी जाता है वहां झगड़ा करके आता है। ये नीच जहां भी जाता है वहां झगड़ा करके आता है। गिन गिन के 100 गालियां दी। कन्हैया जी ने कहा कि शिशुपाल बस, मैंने तुम्हारे 100 अपराध क्षमा करने का तुम्हारी माता जी को आश्वासन दिया था। अब यदि एक भी गाली और दी तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। शिशुपाल नहीं माना। कन्हैया जी ने सुदर्शन चक्र के द्वारा शीश उतारा। चक्र से धरन गिरा शिशुपाल, ज्योत समाई कृष्ण में गई गगन तत्काल। कन्हैया जी ने शिशुपाल का उद्धार किया, दंत वक्र का उद्धार किया। शिशुपाल दंत वक्र कौन थे? ये वही जय और विजय का तीसरा जन्म था। सनकादिक ऋषियों ने जो जय और विजय को श्राप दिया था, तो पहले जन्म में रावण कुंभकर्ण बने, पहले जन्म में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बने, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बने और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बने। भगवान ने तीनों बार इनका उद्धार किया है। तीन जन्मों के बाद में उद्धार हुआ है। अब ज्योति निकली। भगवान की बहुत बड़ी भक्त, तीन दिन से भूखी थी, घर में गरीबी थी, तो एक दिन कुछ चना उसे प्राप्त हुए। चनाओं की पोटली बना करके अपने तकिया के नीचे रखकर अम्मा सो गई। रात्रि को चोर घुसे, चोरों ने विचार किया कि धन को जरूर अपने तकिया के नीचे रख के सोई होगी। तकिया में हाथ डाला तो चनाओं की पोटली मिली। चोर लेकर भागे, तो बुढ़िया मैया ने श्राप दे दिया कि जो इन चनाओं को खाएगा वह दरिद्री हो जाएगा। चोर सांदीपनी नगरी में गुरु सांदीपनी के आश्रम में आकर छिप गए, और जब विद्यार्थी जगे तो वहां से भी चोर भागे। जल्दी जल्दी में चनाओं की पोटली गिर गई। गुरु माता झाड़ू लगा रही थी प्रातः काल, कृष्ण और सुदामा का नंबर आया वन से समिधा लेने के लिए। जब कन्हैया जी जाने लगे तो गुरु माता ने सुदामा के हाथ में वो चना दी कि दोनों भाई बराबर बराबर बांट के खा लेना। लेकिन सुदामा जी ने देखा कि चना तो सापित है। ज्योतिष विद्या से जान लिया सुदामा जी ने इन चनाओं को श्राप मिला हुआ है कि जो भी चनाओं को खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। मेरा कन्हैया तीनों लोकों का स्वामी है, यदि मेरे कन्हैया ने ये सापित चना खाए तो कन्हैया दरिद्री हो जाएगा, और कन्हैया जी के दरिद्री होने पर तीनों लोक दरिद्री हो जाएंगे। जब स्वामी दरिद्री होगा तो प्रजा तो अपने आप ही दरिद्री हो जाएगी। इसीलिए सुदामा जी ने तीनों लोकों की दरिद्रता ले ली। बोले कि चनाओं को मैं स्वयं ही खा जाऊंगा। सुदामा जी स्वयं चनाओं को खा गए। गुरु माता ने पूछा कि सुदामा तुमने कन्हैया जी को चना खिलाए?
सुदामा ने कहा कि नहीं मैया, मुझे भूख लगी सो चनाओं को मैं ही खा गया। गुरु माता बड़ी भोली थी, गुरु माता ने भी कह दिया कि हक काऊ को खाय के यही मिलेगी सीख, हो ये दरिद्री आज से घर घर मांगे भी। आज से तुम दरिद्री हो जाओगे, घर घर भीख मांगोगे। सुदामा जी के जीवन में बड़ी भयंकर गरीबी आ गई। चार पुत्र हैं सुदामा जी के, घर में इतनी गरीबी है कि कुछ कभी कभी तो भोजन भी नहीं मिलता है। एक बार तीन दिनों से भोजन नहीं मिला। सुदामा की धर्म पत्नी का नाम है सुशीला। सुशीला रोने लगी, कन्हैया से कहने लगी, प्रार्थना करने लगी, कन्हैया क्या हमेशा हमारे घर में ऐसी गरीबी रहेगी? सुदामा से कहा कि तुम कहते हो कि द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे बचपन के सखा हैं, तुम्हारे मित्र हैं, तो वहां से तुम कुछ मांग कर लाते क्यों नहीं हो? सुदामा जी ने कहा, अरे सुशीला, शिक्षा के हो सगरे जग कोतिया ताको कहा अब देत हो शिक्षा, ककु सारे जग कोती ताको कहा तुम्हें देते हो शिक्षा, जे तप के पर लोक सुधारत संपत की तेने के नहीं इच्छा, तप के पर लोक सुधारत संपत्ति की देने के नहीं इच्छा, मेरे ही यहाँ के पाद पंकज, मेरे ही हर के पाद पंकज, पर हजार ले देख परीक्षा, और अन को धन चाहिए बाबा, ब्राह्मण को धन केवल शिक्षा, और अन को धन चाहिए बाबा, ब्राह्मण को धन केवल शिक्षा, और अन को धन चाहिए बाबा, ब्राह्मण को धन केवल शिक्षा। अरी बाबरी, अरी सुशीला, तू धन का क्या करेगी? ब्राह्मण का तो सबसे बड़ा धन उसकी विद्या होती है, उसका उसकी शिक्षा होती है। मैं धन लेने के लिए जाऊं? नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता। सुशीला ने कहा कि स्वामी, मैंने कब कहा कि तुम धन मांगना, अपने मित्र से मिलने के लिए तो जा सकते हो। सुदामा जी ने कहा कि हाँ, मिलने के लिए तो अवश्य जा सकता हूँ, लेकिन मित्र के लिए कुछ भेंट ले जानी होती है, मेरे पास तो चार चावल भी नहीं है। द्वारका जाओ जी, द्वारका जाओ जी, आठ हो या मही जग तेरे, द्वारका जाओ जी, द्वारका जाओ, आठ हो या मही जग तेरे, जो न कहो करिए तो बड़ो दुख, जइए कहाँ अपने गत हेरे, गत जइए कहाँ अपने गत तेरे, द्वारे खड़े प्रभु के छरिया तहाँ, द्वारे खड़े प्रभु के छरिया तहाँ, ओ पाते जाना न पावत तेरे, पाँचे सो पारी तो देख बेचार, बेटे को चार न चावल मेरे, पाँचे सो पारी तो देख बेचार, बेटे को ना चावल मेरे, पाँचे सो पारी तो देख बेचार, बेटे को ना चावल मेरे। अरे बाबरी, मेरे यहाँ तो कन्हैया जी को देने के लिए चार चावल के दाने नहीं है, मैं अपने कन्हैया को क्या दूंगा? सुशीला चार घरों में गई, चार मुट्ठी चावल लेकर आई, एक पोटली में बांध दिया, और सुदामा जी उन चावलों की पोटली को अपने कांख में दबा के चले। कन्हैया जी की नगरी में जा रहे हैं और प्रार्थना करने जा रहे, करते जा रहे हैं, कन्हैया तेरी नगरी बड़ी दूर है, वहां तक मैं कैसे पहुंचूंगा? Thank you.
दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी द्वारकापुरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। ओ कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे सवरिया, तेरी द्वारका नगरी बड़ी दूर नगरी। दिन को आओ तो देखे सारी नगरी, हो दिन को आओ तो देखे सारी नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। संग कोई लाओ काना शरम मोह लागे, संग कोई लाए काना शरम मोह लागे, संग कोई आवे काना शरम मोह लागे, संग कोई आवे काना शरम मोह लागे। इकलो आओ तो भूल जाऊं नगरी, हो इकलो आओ तो भूल जाऊं नगरी, हो
नगरी बड़दोर नगरी दो नगरी बड़दोर नगरी ओ कैसे आओ रे कन्हैया कैसे आओ रे सवरिया तेरी द्वारिका नगरी बड़दोर नगरी दो नगरी बड़दोर नगरी दोर नगरी बड़दोर नगरी दोर नगरी बड़दोर नगरी बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सुदामा जी महाराज कहने लगे हे कन्हैया तुम्हारी नगरी बहुत दूर है, मैं वहां कैसे पहुंच पाऊंगा। पीपल के पेड़ के नीचे सो गए। भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया, योग माया ने सुदामा जी को उठा करके और द्वारकापुरी के द्वार पर छोड़ दिया। द्वारकापुरी के द्वार पर जैसे ही सुदामा जी पहुंचे निद्रा टूटी, आंख खोल कर देखा तो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं। द्वारपाल के पास पहुंचे, भैया ये कौन सी नगरी है? द्वारपाल ने कहा ये द्वारिका नगरी है। अच्छा यहाँ के राजा द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण है? बोले कि हाँ वही यहाँ के राजा है। भैया वो तो हमारे बचपन के सखा है, जरा उनसे कहो कि तुम्हारे बचपन के सखा सुदामा तुमसे मिलना चाहते। द्वारपाल ने जाकर कन्हैया से कहा कि एक ब्राह्मण है दुबला पतला सा, आपसे मिलना चाहता है। कन्हैया ने कहा कि उसकी पहचान क्या है? द्वारपाल कहने लगा कि शीश पगाना जगतन में प्रभु जाने को आहे बस के ही ग्रामा। शीश पगाना जगतन में प्रभु जाने के आहे बस के ही ग्रामा। धोती पटी सी लटी दो पटे और पाए ओ पाना हकी नहीं सामा। धोती पटी सी लटी दो पटी और पाए ओ पाना हकी नहीं सामा। द्वारे खड़ा दे दे दरबार एक द्वारे खड़ा दे दे दरबार एक रया चके सो वसो दया बेरामा। पूछो चदीना दयाले को धाम बतावा ते आपनो नाम सुदामा। पूछो चदीना दयाले को धाम बतावा ते आपनो नाम सुदामा। पूछो चदीना दयाले को धाम बतावा ते आपनो नाम सुदामा। जैसे ही कन्हैया जी ने सुना कि वो अपना नाम सुदामा बताता है, कन्हैया जी वहां से दौड़े और दौड़ करके अपने बचपन के सखा सुदामा को अपने गले से लगा लिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कन्हैया जी सुदामा को लेकर आए, सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बिठाया और सुदामा जी की दशा जब देखी कन्हैया ने तो कन्हैया जी के नेत्रों से इतना अश्रु बहा। कन्हैया जी कितने रोए, ऐसे बिहाल बिबाये सपक कंटक जाल लगे पोने जोए। ऐसे बिहाल बिबाये सपक कंटक जाल लगे पोने जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतना कितने दिन खोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतना कितने दिन खोए। देखे सुदामा की दीन दशा हो सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा ने जे रोए। पानी पराते को हाथ छुआ नहीं
नानक जल तो पग दोए पानी पराते को हाथ छुओ नहीं नानक जल तो पग दोए पानी पराते को हाथ छुओ नहीं नानक जल तो पग दोए कन्हैया जी के नेत्रों से इतना जल निकला। कन्हैया जी ने रुक्मणी से कहा कि मेरे मित्र के चरण धोने के लिए जल लेकर आओ। रुक्मणी जी जल लेकर आ नहीं पाई। कन्हैया जी ने अपने नेत्रों से ही के चरणों को धो दिया। पैरों में बिवाइयां फटी है, कांटे लगे हुए हैं। सुदामा जी की दशा को देखकर कन्हैया जी रोए, क्योंकि कन्हैया जी जानते हैं कि ये मेरा वही बचपन का सखा सुदामा है। इसने तीनों लोगों की दरिद्रता को अपने सिर पर ले लिया था, लेकिन चिंता मत करो, आज मैं तीनों लोगों का साम्राज्य भी तुम्हें प्रदान कर दूंगा। ऐसा मन में विचार करके कन्हैया जी बहुत रोए। ओए इतनी राधा रोई रोई काना के ओ जितनी राधा रोई रोई काना के लिए जय हो कन्हैया उतना रोया रोया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए की हालत देखी उसकी हालत पे रोया ओ यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया याद के आगे अपनी शान शौकत पे रोया ओ यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया ओ ऐसे तड़पा जैसे समा परवाने के लिए ऐसे तड़पा जैसे समा परवाने के लिए कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा 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 के लिए को गले लगा के बात भर भर कर रोया प्यार को गले लगा के बात भर भर कर रोया और अपने बचपन को
याद कर करके रोया और अपने बचपन को याद कर करके रोया और अपने बचपन को याद कर करके रोया और अपने बचपन को याद कर करके रोया ये ऋण था अनमोल श्याम दीवाने के लिए ये ऋण था अनमोल श्याम दीवाने के लिए उतना रोया रोया सुदामा के लिए कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए देखे दुख के मारे रोया पाँव के छाले देखे दुख के मारे रोया पाँव धोने की खातिर खुशी के मारे रोया ओ पाँव धोने की खातिर खुशी के मारे रोया आंसू थे भर पाई बस हर जाने के लिए आंसू थे भर पाई बस हर जाने के लिए कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए ओ कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए रोया रोया है सुदामा के लिए कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा लाल की। कन्हैया जी अपने बचपन की बातें आपस में करते रहे और फिर कन्हैया को याद आया भैया सुदामा तुम्हारा विवाह होयो। हाँ भैया विवाह होयो। अरे लाला तुम्हारा विवाह होयो और हम तुमने बुलाए नहीं निमंत्रण नहीं दियो। सुदामा कहने लगे कि हमारा विवाह ऐसो ही होयो एक विवाह भयो सो हम निमंत्रण देनो भूल गए लेकिन तुम्हारे इतने विवाह हुए एको विवाह में तुमने निमंत्रण दियो। कन्हैया बोले कि हाँ हमारा विवाह तो ऐसे ही है गयो सुबह कोई बात ही नहीं दोपहर को एक पंडित जी महाराज आए और हम गए रथ लेकर विवाह हो गए। शाम को बहु घर में आ गई चट मंगनी पट ब्याह। कन्हैया बोले कि जब तुम्हारा विवाह सुशीला से भयो है तो भाभी ने कछु जरूर दियो होगो। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत चाप पोटरी काख में रहे कहो के हेत। लाला भाभी ने कछु दियो। सुदामा जी बोले कि ना कछु नहीं दियो। अरे ये बगल में कहा दाब रखे है तेने। कन्हैया जी ने चावलों की पोटली को खींच लिया
बोले बाल कृष्ण भगवान की कुर्सी पे बैठाओ कन्हैया जी। कन्हैया जी ने पहली मुट्ठी मुख में डाली, पहली मुट्ठी में तेरी प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। पहली मुट्ठी में तेरी प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। तीसरे मुट्ठी में देने लगे ओ, तीसरे मुट्ठी में देने लगा तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास विदान मेरा कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास विदान मेरा कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास विदान मेरा कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास विदान मेरा मेरा है। पहली मुट्ठी में पृथ्वी लोक के राजा को जितना सुख प्राप्त होता है इतना धन ऐश्वर्य सुदामा जी को प्रदान किया, और दूसरी मुट्ठी में वैकुंठ धाम को स्वर्ग लोक का राज्य प्रदान किया, और तीसरी मुट्ठी जैसे ही मुख में डालने लगे रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, स्वामी ये आप क्या कर रहे हो, इस भिखारी को तीनों लोकों का सम्राट बनाकर स्वयं भिखारी हो जाना चाहते हो। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। स्वयं दरिद्री हो जाना चाहते हो। कन्हैया ने कहा कि हे रुक्मणी ये तुमने अच्छा नहीं किया, मन ही मन। क्यों? क्योंकि कन्हैया जी जानते हैं कि ये वही ब्राह्मण है जिसने तीनों लोगों की यानी मेरे हिस्सा की दरिद्रता को भी स्वयं ले लिया, मुझे दरिद्र होने से बचा लिया, और आज मैंने केवल दो लोगों का राज्य से दिया है। जब तक मैं इसे तीन लोगों का राज्य प्रदान नहीं करूंगा, क्योंकि तीनों लोगों की दरिद्रता इसने ग्रहण की थी, इसलिए आज मैं तीनों लोगों का स्वामी इसे बना दूंगा, तभी मैं इसके ऋण से उऋण हो सकता हूं। ऐसे दयालु है कन्हैया। सुदामा जी को इतना धन, इतना वैभव, इतना ऐश्वर्य, भक्ति, सब कुछ प्रदान कर दिया, फिर भी कन्हैया विचार कर रहे, सोच रहे कि मैंने इसे कुछ दिया नहीं, कम दिया है, तीनों लोगों का राज्य दे दू तब थोड़ा सा ठीक रहता है। ये कन्हैया जी की करुणा है। कन्हैया जी किसी का भी अपने पास रखते नहीं। जो भगवान को प्रेम से समर्पित करता है भगवान उसे कई गुना करके वापस करते हैं। कन्हैया जी की प्रतिज्ञा है कि तू मेरे मार्ग पर चलकर तो देख, तेरे सारे मार्ग न खोल दूं तो कहना, तू मेरे लिए कुछ खर्च करके तो देख, तेरे धन के भंडार न भर दूं तो कहना। कन्हैया जी की भक्ति जो अपने हृदय में धारण करता है भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। दोनों मित्रों में बहुत देर तक बातचीत होती रही। कन्हैया जी की पत्नी एक एक करके आती हैं और सुदामा जी से आशीर्वाद ले रही है। सुदामा जी सबको आशीर्वाद देते जा रहे। सुदामा बोले कन्हैया एक बात कहूं। कन्हैया बोले कहो। भैया कान में कंगो। कन्हैया जी ने अपना कान आगे बढ़ाया। सुदामा जी ने कहा कि कन्हैया ये जितनी भी आशीर्वाद लेकर जा रहे हैं ये सब तुम्हारी पत्नी? हाँ भैया। अच्छा भैया, 1 किलोमीटर लंबी लाइन लग रही है, सब तुम्हारी है? बोले सब आपकी है। कितनी है भैया? कन्हैया बोले ज्यादा नहीं है, 16108 है बस। अरे कन्हैया मैं तो दुबलो पतलो सो ब्राह्मण हूं,
इन सब आशीर्वाद दंगो तो मैं तो भैया मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे। एक काम करो, इन सब की ओर से तुम ही आशीर्वाद ले लो, मैं तो आशीर्वाद तुम्हें दे दंगो, सोई सब मिल जाएगा। सुदामा जी ने कन्हैया जी को आशीर्वाद दिया, बोले बाल कृष्ण भगवान की। सुदामा जी बड़े प्रसन्न हुए और कन्हैया जी को प्राप्त करके सुदामा जी तो नाचने लगे, कन्हैया जी भी नाच रहे सुदामा जी के साथ। से को हीरा बनाया, शीरा बनाया और मेहरबानी आपकी, ईशान आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपने जिसे को हीरा बनाया, जिसे को हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। हम ना भूलेंगे कभी एहसान प्रभु जी आपका, हम ना भूलेंगे कभी एहसान प्रभु जी आपका, हम ना भूलेंगे कभी एहसान प्रभु जी आपका, अपने चरणों से लगाया, अपने चरणों से लगाया, मेहरबानी आपकी आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। पर आज गोविंद है कहानी आपकी, हर मुराद पूरी होती तेरे इस दरबार में, हर मुराद पूरी होती तेरे इस दरबार में, हर मुराद पूरी होती तेरे इस दरबार में, हर जुबा पर आज गोविंद, हर जुबा पर आज गोविंद है कहानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी।
आपने अपना बनाया मेहरबानी आपने। चाहते हैं तुम्हें हम कैसे भूलेंगे भला, ओ दिल से चाहते हैं तुम्हें हम कैसे भूलेंगे भला। अब तो ये दिल भी हमारा, अब तो ये दिल भी हमारा है निशानी आपकी, आपने अपना बना अपना बना।